नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। मैं अभी जहानाबाद से सटा हुआ एक ज़िला है अरवल, और अरवल ज़िला का एक पंचायत है सोनभद्र। सोनभद्र पंचायत में आज नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं भावी प्रत्याशी मुखिया के। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। मुखिया जी के लिए यहाँ पर माला है, जो लोग ये माला खरीद रहे होंगे, ये माला खरीद कर मुखिया जी जो भावी मुखिया हैं उनको पहनाया जाएगा या फिर लोग उनको देंगे। कितना माला बिका दिन भर में? अभी तो सर 200 माला बिक चुका है। सर 200 माला बिक चुका। कितना लोग गया है अभी नॉमिनेशन फाइल करने? नॉमिनेशन फाइल तो लगभग अभी 1000 से पार कर गया सर। इतना आदमी गया, सब लोग खरीद रहा है माला? हाँ, माला सब खरीद रहे हैं सर। क्या है माला? 10 रुपया सर। 10 रुपये का एक माला? एक माला। भाई सब मुखिया जी को पहनाता है लोग? सब मुखिया जी को पहनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह इन्होंने अपने टेम्पो में ये माला लगा के रखा हुआ है। बगल में आपको साइकिल पर भी छोटे छोटे ये माला की, एक तरह से कहा जाए तो माला की दुकान है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आप लोगों का हुजूम देखें, भीड़ देखें, किस तरह से लोग जमा हैं और अपने अपने प्रत्याशी के लिए नॉमिनेशन फाइल करने उनके समर्थन में आए हैं। और अब देखना है कि इस इलाके में कौन जीतता है। अभी वर्तमान में कौन है यहाँ मुखिया? जितेंद्र मुखिया हैं। जितेंद्र मुखिया हैं, तो कैसा काम किए हैं? काम तो सही नहीं किए हैं। काम नहीं सही किए? नहीं किए हैं। क्या क्या जो अभी नल जल योजना जो काम हुआ है अनसक्सेसफुल है। कहीं भी पानी घर में नहीं जाता है। नहीं जाता। यहाँ पे कुछ युवा और भी हैं जो भाग रहे हैं देखकर, पता नहीं कैमरा देखकर लोग मुकर रहे हैं, सामने नहीं आना चाह रहे हैं। बाबा, अभी वर्तमान में जो मुखिया हैं उनसे आप लोग खुश हैं कि नहीं? एकदम खुश हैं वर्तमान मुखिया से। हाँ। और तो आप लोग क्या चाहते हैं कि कौन जीते? अब हमारा से पूछ रहे हैं तो मुखिया बदलना तो ज़रूरी है। आप खुश हो हैं, आप बदलना चाह रहे हैं? हाँ, ये का है? मुखिया माने कि सब दिन माने कि रात नहीं कर सकता है। सुन लीजिए, अभी पहले हम कह रहे हैं ऐसे। अच्छा, बदलना जरूरी है। ये का है? रात माने नहीं बदलेगा तो काम नहीं होगा। एकरा मतलब कि काम नहीं किया? अच्छा, हाँ, तो अभी आप बोले कि काम किया तो काम कर चुके रहे हैं। दूसरा पंचायत के हम? दूसरा पंचायत? आप कौन पंचायत के? हम चमंडी पंचायत के हैं। सिमंडी पंचायत के हैं? अच्छा, ये अरवल के ही जिला में एक सिमंडी पंचायत है। सिमंडी पंचायत के आप? चमंडी, चमंडी पंचायत है उसके ये प्रत्याशी। आपके प्रत्याशी का क्या नाम है जिनका आप समर्थन कर रहे हैं? हम अभी माने कि यहाँ बड़का गांव के हैं, ये मुखिया हैं विमल मुखिया। सुन लीजिए, फिर माने कि दूसरा में माने कि वो आ गए हैं, माने कि अभी देखिए माने कि हैं माने को ना बाबा। अच्छा, हाँ, और जो पहले हार गए हैं। अच्छा, तो आप इन्हीं के जो मुखिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं को आप भी कर रहे हैं? हाँ, मैं को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। आप कौन पंचायत के हैं? चमंडिया के। चमंडिया के हैं? एके पंचायत के आदमी हैं। तो आपके पंचायत का कोई मुखिया नहीं आया है? आज नॉमिनेशन कर रहे हैं? ना, नॉमिनेशन कर रहे नहीं है। तो बहरहाल ये अलग अलग है। आपका नाम? मेरा नाम सचिन कुमार है। आप किस प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं? किकू शर्मा है, सोनभद्र पंचायत से। सोनभद्र पंचायत से किकू देवी, शोभा देवी जी। शोभा देवी तो अभी जो मिले किकू शर्मा जी, जी वही न लड़ रहे चुनाव? जी हाँ, किकू शर्मा पति हैं और प्रत्याशी में है शोभा देवी। प्रत्याशी हैं शोभा देवी, तो मतलब कि नॉमिनेशन फाइल करने में तो शोभा देवी भी आएंगी ना? हाँ, बस पहुंचने वाली हैं शोभा देवी। अच्छा, तो और सभी लोगों का, हर एक जाति समुदाय सभी लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार चुनाव हुआ था तो ऐसे मुखिया बने कि चार जाति को टारगेट किए उन्होंने कि इस समुदाय के लोगों ने हमें वोट नहीं किया और उसका हम वो काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए इस बार सबसे अच्छी बात जो है कि किकू शर्मा जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे प्रत्याशी हैं कि वो केवल चुनाव के समय ही नहीं बल्कि 5 साल लगातार गरीबों की सेवा करते आए, और आज ये परिणाम है कि आज उन्हें पूरा जन समर्थन मिल रहा है। तो ये महिला आरक्षित सीट है जी, इसलिए किकू शर्मा की पत्नी शोभा देवी चुनाव लड़ रही हैं, उनके वो नॉमिनेशन फाइल करने आएंगी। और आपके पंचायत के और कोई लोग हैं यहाँ पर?
और अभी जो वर्तमान मुखिया है, वर्तमान में वो मुखिया से तुम लोग संतुष्ट नहीं हो? नहीं हूँ। काहे? ये अच्छे काम नहीं किए हैं आपका। अच्छे काम नहीं किए हैं। जोर से बोलो। अच्छे काम नहीं किए हैं। अच्छा काम नहीं किए। किसका समर्थन करने आए? हम खड़ासिन पंचायत के रविशंकर चौधरी मुखिया के समर्थन। खड़ासिन पंचायत के, सोनभद्र पंचायत के भी मुखिया, बहुत सारे अलग अलग, चूँकि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में अलग अलग पंचायत के मुखिया के समर्थन में उनके नॉमिनेशन फाइल करने में आए हैं। कुछ युवा हैं, हम उनको रगेत कर पकड़ेंगे, जाने नहीं देंगे। बता दो, बताओ। अरे यार, युवा हो तुम लोग, बोलो किनका समर्थन कर रहे हैं? कीकू शर्मा का। वर्तमान मुखिया का नहीं कर रहे हो? नहीं। क्या कारण है? वो अच्छा काम नहीं करते हैं अभी तक, मतलब कि हम, मेरा घर यहाँ नहीं, मेरा नानी घर यहाँ, तो यहाँ अभी तक घर में नल जल जो लगा है वो अभी तक घर में पानी नहीं पहुँचा है, और वो सिर्फ गलत ही काम करते हैं, सही काम नहीं करते। मतलब इनके नानी का यहाँ घर है और ये, इनको ये गुस्सा है कि उनके नानी के घर में अभी तक पानी नहीं पहुँचा है, इसलिए वो वर्तमान मुखिया को हराएंगे और कीकू शर्मा की पत्नी शोभा देवी को जिताएंगे, क्योंकि वो एक नया चेहरा है और उम्मीद है कि जब पुराने मुखिया हटेंगे तो नया प्रत्याशी कुछ काम करेगा, गांव का के डेवलपमेंट के लिए कुछ बेहतर करेगा। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।